श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और विषयांग है व्याकरण। और आज व्याकरण का टॉपिक है जिसका नाम है शब्द समूह। शब्द समूह छात्र आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको लिखना भी आते हैं कि शब्द समूह किस प्रकार से लिखा जाता है, किसे शब्द समूह कहते हैं। फिर भी आज हमें उसका प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए छात्रों, मैंने उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। पहला है पक्षियों का समूह। जो पक्षियों का समूह है उसे क्या कहते हैं, विहग वृंद। अब विहग का अर्थ भी पक्षी होता है, आपको उसके समानार्थी शब्द भी आते हैं, इसीलिए अगर हम पक्षी वृंद लिखते तो भी हमारे सही होता है और विहग वृंद। दूसरा है जमीन पर सोना, तो इसको क्या कहते हैं, भूमि शयन। और तीसरा है अच्छा आदमी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सज्जन। तो छात्र यहाँ पे तीन उदाहरण दिए हैं, आपको समझना है पक्षियों का समूह और विहग वृंद दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन यह जब बड़ा वाक्य की तरह है कि पक्षियों का समूह है, तो इसको हम एक शब्द में कैसे बोलते हैं, तो जिसको कहते हैं हम विहग वृंद। उसी प्रकार दूसरा है कि जमीन पर सोना, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूमि शयन। और तीसरा है अच्छा आदमी, तो उसे बोलते हैं सज्जन। अगर हम लोग लिखते यहाँ मैंने लिखा होगा बुरा आदमी, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, दुर्जन। तो इसी प्रकार शब्द समूह का प्रयोग होता है। तो अब हम इसकी शाब्दिक अर्थ के बारे में देखें, तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझूती दी गई है, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे उदाहरण लिखे थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऊपर बाई ओर यानी कि इस तरफ, और यानी तरफ। एक बात आपको सबसे पहले बता दूं, आपको पता ही है छात्रों, फिर भी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे और शब्द लिखा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये और है, यहाँ पे मैंने एक मात्रा की है, तो इसका अर्थ होता है तरफ। और ये लिखा है और, तो इसका अर्थ होता है अने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऊपर बाई ओर, तो यहाँ पे और पे मैंने एक ही मात्रा की है केवल, तो ये पक्षियों का समूह, जमीन पर सोना, अच्छा आदमी, ये सब की बात है। बाई ओर कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के सामने दाई ओर यानी कि विहग वृंद, भूमि शयन, सज, यानी कि डाबू अने जमणू, के डाबी बाजू अने जमणी बाजू, दाई ओर बाई ओर, तब और एक एक शब्द दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बाई ओर क्या है, कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, और प्रत्येक के सामने एक एक शब्द भी दिया गया है। प्रत्येक शब्द समूह और, ये और का अर्थ क्या होता है, अने। प्रत्येक शब्द समूह और उसके सामने दिया गया शब्द एक ही अर्थ सूचित करते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, एक ही अर्थ सूचित करते हैं। देखना पक्षियों का समूह, तो उसको भी विहग वृंद करते हैं, और यहाँ पे विहग वृंद, तो उसको क्या कहते हैं, पक्षियों का समूह। दोनों का अर्थ है वे तो केवल एक ही है। यह शब्द संबंधित शब्द समूह का संक्षिप्त रूप है। ये जो दिया गया है, ये शब्दों के संबंधित, ये संक्षिप्त यानी टूक हुए संक्षिप्त रूप है, इसी को शब्द समूह के बदले एक शब्द देना कहते हैं। किसको शब्द समूह के लिए एक शब्द देना कहते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ वाक्य लिखे हैं और सामने एक शब्द लिखे हैं, तो दोनों का जो अर्थ होता है वे एक ही अर्थ दोनों सूचित करते हैं। यहाँ पे देखना क्या है, कहाँ लिखा है कि प्रत्येक शब्द समूह और उसके सामने दिया गया शब्द एक ही अर्थ सूचित करते हैं। ये दोनों का मतलब तो एक ही होता है, एक ही अर्थ सूचित करते हैं, तो यह शब्द संबंधी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप है, और इसी शब्द समूह के बदले एक शब्द देना कहते हैं। तो दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन जो इसका संक्षिप्त रूप दिया जाता है
तो उसे कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द देना। तो छात्र अब आपको इसके बारे में शाब्दिक अर्थ के बारे में पता चल गया है, तो इसके आगे का उदाहरण हम देखेंगे। तो छात्र यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो पहला है मन को हरने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, मनोहर, जो हमारे मन को हर लेता है। दूसरा है माता जैसी भूमि, तो उसे कहते हैं मातृभूमि। और तीसरा है समान उम्र का, जो हमारी उम्र और उसकी उम्र समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समवयस्क। तो यहाँ पे इस उदाहरण के तौर पर लिखा है कि शब्द समूह के लिए दिए जाने वाला शब्द प्रायः सामासिक पद या संधियुक्त शब्द होता है। शब्द समूह के लिए जो एक शब्द दिया जाता है, या तो वह सामासिक पद होता है या क्या होता है, संधियुक्त शब्द होता है, जिसमें संधि बनती है, जो विग्रह होता है, संधि विग्रह और संधि को जोड़ना। आपको गुजराती में आता है संधि छोड़ो, संधि जोड़ो, उसी प्रकार हिंदी में भी आता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखने से भाषा संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। तो भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द देने का प्रयोग है, वे बहुत ही अच्छा रूप इसमें लेते हैं। तो उसी प्रकार इस भाषा के तौर को प्रभावशाली बनाने के लिए शब्द समूह का उपयोग करना आवश्यक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं वे आपकी समझ के लिए, लेकिन इसके आगे जो मैं आपको उदाहरण देने वाली हूँ इसमें मैंने सिर्फ यह क्वेश्चन लिखे होते हैं और बाद में हमें उसका उत्तर लिखना है, तो उसका हम उदाहरण के रूप में आगे अभ्यास करेंगे। तो छात्र यहाँ पे मैंने शब्द समूह के कुछ उदाहरण दिए हैं, इसके आधार पर हमें उसका एक शब्द लिखना है। तो आपको ही आता है इसलिए मेरे साथ आपको बोलना है और मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहला है रस से भरा हुआ, जो रस से भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना है रसाल, जो रस से भरा होता है उसे क्या कहते हैं, रसाल। दूसरा है मूल के साथ, जो मूल के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, समूल। इसके बाद है गायों का पालन करने वाला, जो गायों का पालन करता है, तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम उसको क्या कहते हैं, गोपाल। उसके बाद है कुल का नाश करने वाली, जो स्त्री कुल का नाश करने वाली है उसे हम बोलते हैं कुलनाशी। उसके बाद है सुख देने वाला, जो हमें सुख देता है उसे क्या कहते हैं, सुखद। और जो दुख देने वाला होता है तो उसे हम बोलते हैं दुखद। उसी प्रकार है जिसमें मैल न हो, जिसमें मैल भी न हो, वे स्वच्छ हो, उसे हम बोलते हैं निर्मल। और उसके बाद है अग्नि का कण, अग्नि का कण उसे कहते हैं चिंगारी। तो छात्र यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए उसके उत्तर भी लिखे हैं, तो आप फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, रस से भरा हुआ तो उसे कहते हैं रसाल, मूल के साथ तो समूल, गायों का पालन करने वाला तो उसे कहते हैं गोपाल, कुल का नाश करने वाली तो उसे कहते हैं कुलनाशी, सुख देने वाला सुखद, जिसमें मेल न हो उसे कहते हैं निर्मल, और अग्नि का कण तो उसे कहते हैं चिंगारी। तो ठीक उसी प्रकार हमें ये उदाहरण भी देखने हैं। तो यहाँ पे लिखा है जिसका पार न हो, तो जिसका पार न हो उसे कहते हैं अपार। उसके बाद है जो नश्वर नहीं है, नश्वर नहीं है तो उसका क्या होता है, अनश्वर।
उसके बाद है लिखने का साधन, हम किससे लिखते हैं, ये तो आपको आता ही है, वेरी गुड। क्या होता है इसका? कलम। और इसके बाद है जो बोल न सकता हो, तो वहां पे आता है मुंह को। और उसके बाद है 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? सदी। उसके बाद है जिसका अंत न हो, तो उसके उसको कहते हैं हम अनंत। और उसके बाद है दो पहरों का समूह, तो उसे कहते हैं दो पहर। तो यहाँ पे भी आता है सबका अर्थ दिए गए हैं, जिसका पार न हो तो वे होता है अपार, जो नश्वर नहीं है अनश्वर, लिखने का साधन उसे कहते हैं कलम, जो बोल न सकता हो उसको कहते हैं मुख, 100 वर्ष का समय यानी कि सदी, जिसका अंत न हो वे अनंत, और दो पहरों का समूह तो जिसे कहते हैं दो पहर। तो छात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शब्द है और इसके आगे जो वाक्य है, तो दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन जो ये दिए गए हैं जो सारे शब्द, वे उस शब्दों का संक्षिप्त रूप है जिससे हम शब्द समूह कहते हैं, जिसके कारण भाषा में प्रभाव बढ़ता है। आगे के उदाहरण की तरह यहाँ मैंने थोड़े बहुत उदाहरण लिए हैं जिसका हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने लिखा है राह पर चलने वाला, जो राह पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? राही, यानी कि मुसाफिर। दूसरा है काल रूपी सूर्य, तो उसे कहते हैं काल सूर्य। उसके बाद है जिसकी कोई दिशा न हो, तो उसे कहते हैं दिशाहीन, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। इसके बाद है जो संभव नहीं है वह, तो उसे क्या कहते हैं हम? असंभव। उसके बाद है प्रत्येक पल में, यानी कि प्रतिक्षण। और छोटा तालाब, तो इसे कहते हैं पोखर। तो छात्र यहाँ पे आप लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा है राह पर चलने वाला, तो उसे कहते हैं राही, काल रूपी सूर्य काल सूर्य, जिसकी कोई दिशा न हो तो उसे कहते हैं हम दिशाहीन, जो संभव नहीं है वह असंभव, प्रत्येक पल में यानी कि प्रतिक्षण, और छोटा ताला तो उसे कहते हैं पोखर। तो इसके आगे हमें देखना है क्या लिखा है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा इसे कहते हैं जिज्ञासा। उसके बाद है अच्छा कार्य, तो उसका अर्थ होता है सत्कार्य। क्षमा करने योग्य, तो उसे कहते हैं क्षम्य। उसके बाद है 7 दिनों का समूह, तो उसे कहते हैं सप्ताह। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा है दिनों, यहाँ पे दिन अश्व है, इसका अर्थ होता है दिवस, और यहाँ पे दी अगर मैं दीर्घ कर देती हूँ तो उसका अर्थ होता है गरीब। तो अगर हम लिखे 7 दिनों का समूह, तो यम भाई इन अर्थ के 7 गरीबों का समूह। तो आपको यह बात याद रखनी है कि दी हम हस्व ही लिखना है, अगर दिन का मतलब हमें दिवस करना है तो दी हस्व आता है, अगर दिन का अर्थ हमें गरीब लिखना है तो वहां पे वे दीर्घ आता है। उसके बाद है जिसमें कम ताकत हो, तो वे होता है कमजोर। उसके बाद है जो आंखों के सामने हो, तो उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष। और इसके बाद है सबसे उत्तम है, तो वे है सर्वोत्तम। तो छात्र यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे लिखा है जानने की इच्छा, जिज्ञासा, अच्छा कार्य, तो उसे कहते हैं सत्कार्य, क्षमा करने योग्य क्षम्य,
सात दिनों का समूह सप्ताह, जिसमें कम ताकत हो उसे कहते हैं कमजोर, जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और सबसे उत्तम होता है उसे कहते हैं सर्वोत्तम। तो छात्र अब आप लोगों को शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको उत्तर आ जाएंगे। ये कैसे, तो हमें पढ़ना है, देखना है किस प्रकार शब्द दिया गया है, उसी के तौर पर ही उसका अर्थ देना है कि जो उसका संक्षिप्त रूप हो। तो इसके कारण भाषा में प्रभाव पड़ता है और आपका उत्तर है वे भी सही हो जाता है। तो आपको भी प्रत्येक गद्य और पद्य में ऐसा शब्द आता ही है जिसके शब्द समूह के लिए कोई एक संक्षिप्त रूप उसका देना पड़ता है। तो इसी के आधार पर आपको उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे यह हमारा जो टॉपिक है शब्द समूह के लिए एक शब्द, यह वहाँ पे खत्म होता है। और छात्र आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो शब्द समूह के लिए जो बात बताई उसके उदाहरण दिए, और इसके बाद यहाँ पे हमने जो ऐसा उदाहरण के तौर पर इसके उत्तर लिखे हैं, तो आपको भी इनमें से इस वीडियो में से देखकर समान शब्द समूह कोई भी 10 या कोई भी 12 शब्द समूह आपको लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो है वे दूसरी बार भी देख लेना है। पता है आपको, तो आप लोग होशियार ही है इसीलिए आप सबको आ ही गया है। इसीलिए अगर आपको अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो वे भी आपको आसानी से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं।